कर लिया करो। सोचो अगर तुम 3 चैप्टर के लिए प्रिपेयर करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो नीट एकदम से आएगा, कैसे प्रिपेयर करोगे ना। तो इसलिए अगर साथ साथ प्रिपेयर कर लोगे तो हो जाएगा। कम से कम 0 प्रिपरेशन से कोई टेस्ट मत दिया करो यार। एनिमल किंगडम अभी खत्म हुआ है तो कम से कम एनिमल किंगडम तुम देख सकते थे। ऐसे ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने रिवाइज किया था, तो बचा था 3rd चैप्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पे मेहनत करनी थी। चल चलो आते। ओके जी, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो होमवर्क क्या था आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम फर्स्ट 2 पेजेस बायो मॉलिक्यूल के और प्रोटीन वाला पार्ट। हाँ, फर्स्ट 2 पेजेस तो बायो मॉलिक्यूल के पढ़ के आने थे और प्रोटीन वाला पार्ट। तो फर्स्ट 2 पेजेस में लिखा क्या है, बेसिकली किस बारे में डिस्कशन हो रही है वहां पे बताओ भाई, किस बारे में डिस्कशन हो रही है वहां पे? ऐसे तो है नहीं, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, कुछ तो तुमको समझ आ गया होगा कि बात ये हो रही है। किस बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट 2 पेजेस? किसी ने पढ़ा? कौन है, किसने करा था हाथ खड़ा, नीचे कर लिया बेटा, करके नहीं आया होमवर्क? हाँ हम उसमें बताया है कि जैसे कि हमारे मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट है उनमें मतलब कि सभी प्रेजेंट है, बट उनमें ये नहीं पता कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है एक ही केमिकल से बने हैं या फिर कोई अलग केमिकल से बने हैं उनका। उसके बाद उन्होंने बताया मतलब फैटी एसिड के बारे में कुछ है, प्रोटीन्स के बारे में किया है जिसमें कि हमारे पास शुगर्स वगैरह भी आते हैं, सुक्रोज मोनोसेक्राइड्स वगैरह। गुड इवनिंग मैम, बोल बोल बोल, सही बोल रही आगे। और जिसमें कि उनके आगे पार्ट्स भी हैं और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी है, फ्रक्टोज पाइरोज के बारे में स्ट्रक्चर्स हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और कुछ उनके फंक्शंस के बारे में भी बताया है। गुड जॉब प्रीति, गुड। सो बायो मॉलिक्यूल्स, आपको ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि क्या जो भी एलिमेंट को भी चीजें इन्वायरमेंट में है, धरती के अंदर है, जैसे मिट्टी उठा ली मैंने एक हाथ में, तो जो चीजों से मिट्टी बनी है कि उसी चीज से मैं बनी हूँ। कभी आपने सुना होगा कि आफ्टर डेथ जला देते हैं इंसान को या फिर दफना देते हैं, तो ये चीजें करते हैं, है ना? मैम राइट, तो ऐसे करते हैं क्यों? ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तुम दफनाओगे तो भी डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगा, अगर जलाओगे तो ऐश बन जाएगी, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो हम लोग मिट्टी से आए, मिट्टी हो जाना। उसका एक्चुअल में साइंटिफिक मीनिंग ये है कि व्हाट एवर सॉइल इज मेड अप ऑफ, वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द सेम थिंग्स। जिससे अर्थ का क्रस्ट बने उसी से हम बने हैं, और वो इस चैप्टर में हम बनते पढ़ते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज बायो मॉलिक्यूल? इस चैप्टर में आज हम क्या करेंगे, आज एक तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका कि हम इसको केमिकली कैसे एनालाइज करते हैं, फिर हम प्रोटीन वाला पार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तुम्हें जो इतना सारा दिख रहा है ना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के टॉपिक की हेडिंग है, क्योंकि बायो मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने सारी हेडिंग यहाँ मेंशन कर दिया। धीरे धीरे जब तुम करते जाओगे यू रियलाइज की सारी हेडिंग हो जाएगी कवर। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस पे कुछ फोकस करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट पे, फिर जो तुम्हारा सेकेंड लेक्चर है ना मेरे साथ 8:30 बजे, मैम ठीक है, उस पे हम लोग फोकस करेंगे ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, यो मैम ठीक है, चलो यो आज मैम सिंपल एनालिसिस और इसको समझते हैं ये है क्या। इन टर्म्स ऑफ मार्क्स की बात करूं मैं, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से इससे आते हैं, दैट इज अराउंड 12 मार्क्स। मैं अभी भी बोलूंगी क्योंकि नीट में बहुत सारे बायो के चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो इन चैप्टर से क्वेश्चन आने के और ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आएंगे अभी ये किसी को नहीं पता, पर क्वेश्चन जरूर आएगा बायो मॉलिक्यूल से, ये तो कन्फर्म है, आना ही है। वेन वी से बायो मॉलिक्यूल्स, बड़ा सिंपल सा है ना कि बायो मॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो इस प्रेजेंटेशन में सारी डेफिनेशंस है, सब कुछ है, तुमको कंटेंट कहीं से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्रेजेंटेशन में मोर देन इनफ है। तो एनसीईआरटी करके प्रेजेंटेशन भी करोगे ना, बहुत सारा है इसमें, ठीक है, बट जस्ट मेक श्योर कि यू कीप ऑन रीडिंग, क्योंकि जब बायो मॉलिक्यूल का टेस्ट आएगा, अब अगले संडे को उसका टेस्ट आएगा, तो यू मेक श्योर कि अगले संडे के लिए तुमको अलग से बायो मॉलिक्यूल्स ना उठाना पड़े। तो बायो मॉलिक्यूल के अलावा और जो भी चैप्टर मेंशन होंगे उसको पढ़ोगे, समझ आई? यो यो मैम तो इसको साथ साथ में पढ़ लेना, जितना बोल रही हूँ उतना पढ़ के आना। अब है बायो मॉलिक्यूल, तो बायो का मतलब लिविंग लिविंग, बायो का सिंपली मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब उसके अंदर पाए जाने वाली कोई चीजें होंगी ना। तो बायो मॉलिक्यूल तुमने केमिस्ट्री में भी किया ना, वो तो बहुत डिटेल में किया, यहाँ पे तुमको छोटा सा करना है, उतनी डिटेल में करना ही नहीं है। तो व्हाट इज बायो मॉलिक्यूल, अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तो बायो मॉलिक्यूल वो सारे कंपाउंड है जिनमें कार्बन है, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड
जो आपको मिलते हैं एक लिविंग सेल में उसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। देखो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सारे सल्फर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो भी कंपाउंड एक लिविंग सेल है, जैसे मेरे स्किन का सेल हो गया, इस सेल के अंदर, ये मेरा स्किन का सेल पड़ा है, इस सेल के अंदर जितने कार्बन कंपाउंड है ना उसको मैं कहूंगी बायोमोलिक्यूल्स। वो साइज में बड़े हैं, वो साइज में छोटे हैं, जैसे मर्जी है, वो बायोमोलिक्यूल्स है। ये बात समझे किसको कहते हैं? यो मैम। बायोमोलिक्यूल में हम लोगों को पढ़ना कौन कौन से मॉलिक्यूल है। सबसे पहले वो जो तुम खाते हो मीठी मीठी कार्बोहाइड्रेट, यो मैम, एक बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, दैट इज प्रोटीन्स। तुम्हारी बॉडी में सारे प्रोटीन केमिकल रिएक्शन प्रोटीन ही है। अगर प्रोटीन ना हो तो तुम्हारे बॉडी को पता नहीं चले क्या करना है। न्यूक्लिक एसिड, तुम्हारे हर डीएनए के की फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डीएनए और आरएनए, तो जेनेटिक मटेरियल हमारा हो गया न्यूक्लिक एसिड। एंड लास्ट इज लिपिड, आपके सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड। तो लिपिड के बिना तो सेल ही नहीं बन सकता है ना। सो कौन सी बायोमोलिक्यूल्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, वो एक्चुअल में यही है। न्यूक्लिक एसिड आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है, मान लो किसी को नहीं याद, तो जब मैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगी तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके छोटे छोटे यूनिट कवर हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारे दो चैप्टर प्रिपेयर करा देता है। जब मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी तो कार्बोहाइड्रेट में ना तुमने वो जो सारे टर्म्स पढ़ी है, सुक्रोज होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, रुबिस्को होता है, उन सबको यहाँ पढ़ोगे, तो ये दूसरे चैप्टर से रिलेट होता है। अगर मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगी, प्रोटीन इज सो इजी कि बहुत आराम से याद जाएगा तुम्हें। बचा लिपिड, लिपिड में थोड़ा एफर्ट लगता है क्योंकि इसके जो टर्मिनोलॉजीज तुम सुनोगे तुमने और कहीं सुनी नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात है कि ये शॉर्ट है तो छोटू जाए तो इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं। तो तुमको ज्यादा जो करना है वो यही चैप्टर करना है, यही है पूरा चैप्टर। समझ आया पढ़ना क्या है? अब हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स है, बायो मतलब लिविंग, लिविंग सेल के अंदर जितने भी कार्बन वाले मॉलिक्यूल है बायोमोलिक्यूल। अब कैसे कैसे है, हम कह रहे हैं एक है बड़े वाले मॉलिक्यूल, एक है छोटू वाले मॉलिक्यूल। तो अगर कोई चीज बड़ी है तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैक्रो या माइक्रो? माइक्रो। जो बिग है मैं उसे क्या बोलू, माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो बोलेंगे। हाँ बड़ा है ना तो मैक्रो बोलूंगी, माइक्रोस्कोपिक सबसे छोटू होता है। तो कुछ बायोमोलिक्यूल होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है 1000 डेल्टन या 10000 डेल्टन से ज्यादा। तुम इसको सिंपली याद करो, जिसका साइज 10000 डेल्टन से ज्यादा है, द यूनिट इज डेल्टन। बायो में अगर यूनिट आए ना कहीं उस पर ध्यान देना, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे ही यूनिट मेंशन है तो वो इंपॉर्टेंट हो गई। तो 10000 डेल्टन से, जिसका 1000 डेल्टन से ज्यादा है, वो सारे के सारे कहलाते हैं हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। कैसे कभी मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डेल्टन से ऊपर आता है, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल। अगर 800 डेल्टन से नीचे आ गया, आप तो बोलोगे मैम फिर 900 डेल्टन का कहाँ जाएगा। एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर नहीं देते ना ये, आपको प्रोबेबिलिटी से दे देते हैं। तो जब भी 1000 से नीचे होगा ना किसी का, तो उसको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल ही कहेंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तुम अगर तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक वो तुमसे पूछ सकता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट उसके वेट के अकॉर्डिंग पूछ लेगा। अगर वो वेट का कंपैरिजन दे रहा है तो तुमको याद रखना है कि माइक्रोमोलिक्यूल वो है जिसका 800 डेल्टन से कम है, और मैक्रो वाले बड़े वाले वो है जिनका 1000 डेल्टन से ज्यादा है। अगर वो तुम्हें कोई एग्जांपल देके समझा रहा है तो तुम्हारे लिए इतना अंडरस्टूड है कि किसी का भी 1000 डेल्टन से ज्यादा होगा उसको मैक्रोमोलिक्यूल में रख देना। क्लियर है ये बात? ये फॉर्मैक का एक क्वेश्चन तो ये बन गया, सीधा सीधा सिंपल सीधा क्वेश्चन है ये। बिकॉज पीपल फाइंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट, इस वजह से इस चैप्टर के क्वेश्चन इजी आते हैं। जो चैप्टर डिफिकल्ट होता है उसका क्वेश्चन इजी होता है, जो चैप्टर इजी होता है उसका क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। इसलिए इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इकोलॉजी सिंपल है, लेकिन ये डिफिकल्ट लगते हैं ना इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यो मैम, फिर जो मैक्रो और माइक्रो है तो इनके कुछ अगर एग्जाम्पल होंगे तो उनके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ अभी पढ़ेंगे ना हम इसी को पढ़ेंगे। यस मैम, चलो आगे। यो मैम, ठीक है। तो मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो अभी हम देखेंगे, हमने कहा ठीक है बायो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है होते हैं, कहाँ होते हैं, लिविंग सेल के अंदर होते हैं।
लिविंग सेल के अंदर कैसे दिखते हैं, कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। अच्छा, बड़े होते हैं छोटे होते हैं? यार बहुत बड़े भी होते हैं छोटू भी होते हैं। यार ठीक है, मेरे को बताओ इसको अलग करो, मुझे इन्हें स्टडी करना है। अब अगर तुमको बायोमोलिक्यूल स्टडी करना है तुमको इसको अलग करना पड़ेगा, राइट? तो अगर तुमको इसको अलग करना पड़ा है, इसे केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़नी है पूरी पूरी, तो अलग करोगे उसका एक प्रोसेस होता है। तो हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, कोई भी बायोमोलिक्यूल को तुमको पढ़ना है तो तुम्हें उसको अलग से निकाल निकाल के पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मेथड है जिसके कुछ स्टेप्स है। एक होता है एसिड सॉल्युबल पूल, एक होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल, एक होता है रिटेंटेट, एक होता है फिल्ट्रेट, और एक होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इन सब की मदद से हम क्या करेंगे, हम एक सेल लेंगे और सेल से बायोमोलिक्यूल बाहर निकालेंगे और फिर देखेंगे किसको मैक्रो में डालूं किसको माइक्रो में डालूं। समझ आया क्या करना है? अब यो यो मैम तो सेल निकालने हमने, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है इसमें, एक तो टर्मिनोलॉजी इस वाले पॉइंट पे बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इस पूरे प्रोसेस में एसिड कौन सा यूज किया। हमने वो एसिड लिया जिसमें 3 क्लोरीन थे, ट्राई मतलब 3, क्लोरो मतलब क्लोरीन, तो जिसमें 3 क्लोरीन थे वो वाला एसिड लिया हमने, एसिटिक एसिड, याद रखना इट्स एसिटिक एसिड। वो यहाँ पे घुमा देता है, इस वर्ड को इतना घुमा के भेजता है ना, क्वेश्चन गलत होता है। तो आपसे ये पूछ लेगा कि अगर तुम बायोमोलिक्यूल स्टडी करना चाहते थे, तुमने बायोमोलिक्यूल को बाहर निकाल लिया है ना, और तुमने किसी को बायो मैक्रो मोलिक्यूल लिखा या बायो माइक्रो मोलिक्यूल किया, तुमने किया कैसे ये? तो इस प्रोसेस के लिए तुमको एक एसिड की जरूरत है, दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसकी मदद से किया। तो ये क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क का, क्लियर? ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेल बाहर निकालना हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीस देंगे, चटनी बनाते हो ना, चटनी बनाते हो, तो ऐसा होता है कि चटनी जैसे पुदीने की बना रहे आम की बना रहे, ऐसा होता है कि इतना फाइन आप उसको पीस दो कि हर एक पार्टिकल अलग हो जाए, पॉसिबल है? नो मैम पॉसिबल नहीं है, ठीक है? नेचर में भी ऐसा है, इतना पॉसिबल नहीं है कि पूरा ही सब कुछ अलग हो जाए। तो तुम क्या करोगे कि तुम एक काम करोगे, तुमको लिविंग सेल से निकालना है, यानी कि मैं यहाँ पे कोई लिविंग टिश्यू रखू ना, काम करो, बहुत इजीली अवेलेबल है, लीवर उठा लो। वैसे तो तुम प्लांट भी रख सकते हो, लेकिन लीवर अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। तो तुमने क्या किया, लीवर का पीस यहाँ रख दिया, ठीक है, एनिमल लीवर का पीस रखा है, राइट? ग्रॉस सा लग रहा है ये, लेकिन प्रोसेस तो ऐसे ही होगा। अब तुमने इसको कूटना स्टार्ट किया, जब भी चटनी बनाते हो तो चीजों के साथ थोड़ा पानी डाल दो, तुम क्या डालोगे इसके साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यहाँ तुमने डाल दिया लीवर है ना, और इसके साथ तुमने डाल दिया प्लस वाटर, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड नहीं बनानी, पूरी साल के माता वैरायटी है, वैरायटी सॉरी मैम, कूट दिया, ठीक है, कूट दिया तो स्लरी से बन गई। का चलो स्लरी को पास कराते हैं, स्लरी होती है ना ये ऐसे, यस मैम, पास कराया, ठीक है, तुमने कहा मोटे मोटे पीस ऊपर रह जाए, पतले पतले नीचे चले जाए, ठीक है। अब चाय छाननी से जब पास कराते हो, मान लो ये चाय छाननी है, तो चाय छाननी से जब चाय पास कराते हो तो क्या ऊपर रहता है क्या नीचे चला जाता है, चाय नीचे चली जाती है लिक्विड फॉर्म में और चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। इधर भी यही हुआ, एसिड में बढ़िया से घुल गया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, ठीक है, इस मीडियम में भी हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को रखते हैं थोड़ा, तो जो घुल गया था वो नीचे चला गया, तो इसको कहेंगे हम एसिड सॉल्युबल पूल। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड में घुला था वही तो पूरा पेस्ट बन गया ना, पतला सा, और वो नीचे आ गया, तो एसिड सॉल्युबल पूल ये कहलाता है, ठीक है। और ये नीचे होके फिल्टर हो गया ना, तो इसी को हम बुलाते हैं फिल्ट्रेट। अब जो ऊपर रह गया, जो रह गया वो है रिटेंशन, तो उसको बोलेंगे रिटेंटेट। और ये नहीं खुला था एसिड सॉल्युबल पूल में, तो इसी को बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। पूल मतलब उसका मटेरियल का है, थोड़ा सा अमाउंट है, पूल मतलब कुछ अमाउंट है उसका एक साथ, ठीक है, समझ आया? बताओ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल तुमको कहाँ मिलेंगे, ध्यान से सुनना, मैक्रो वाले कहाँ मिलेंगे, रिटेंटेट में या फिर एसिड सॉल्युबल में? बेटा जो बड़े हैं वही तो चाय छाननी को पार नहीं कर पाएंगे ना, तो वो तुमको रिटेंटेट पे मिलेंगे, है ना। यहाँ पर तुमको क्या मिलेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, और नीचे क्या मिलेंगे तुमको, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो
ये माइक्रो मैक्रो को अंडरलाइन कर लेने, कंफ्यूजन देगा. माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट. क्लियर? ठीक है, हमें यह पढ़ना है, हमें पढ़ना है इस चैप्टर में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स. हम सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, सिर्फ एक माइक्रो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे. तो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे यानी कि हम सिर्फ रिटेंटेट की कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, हम फिल्ट्रेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे चैप्टर में. क्लियर? ये लिख लिया सबने, ऐसे ही बना लेना, इजी रहेगा. बना लो. पूछ ले हो तुमसे एसिड सॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल में क्या आता है, एक्सपेरिमेंट है ये, एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं एक्सपेरिमेंट से. मैक्सिम तुम्हारी क्लास से पहले सो गई थी और मैं सोती रह गई. मुझे किसने उठाया था, किसने मुझे फोन किया था, लिंक ही भेजा आपने. क्या नाम है तुम्हारा, दिख नहीं रही मुझे. भूमि, थैंक यू बेटा भूमि. नहीं तो मैं तो सोती रह जाती आज. मेरे को लगा अलार्म क्या लगाना, मम्मी उठा देगी एक घंटे, मम्मी सो गई. ये तो मैंने सोचा ही नहीं. मैम तो आपने अलार्म नहीं क्या ऐसा? अरे मुझे लगा मम्मी उठा देगी ना यार, खाना खाना है ना, तो मैं कहा मम्मी उठा देगी खाना खाने के लिए, तो मम्मी मेरे को मैं मर जाऊं तब तो उठा दे, खाना खा के जाइयो. यमराज को बोले रुको खाना खाना लड़की ने मारी. मम्मी सो गई, कराटे मार रही भगवाई. मैम आपको मैसेज कैसे लगा पता है? मैसेज नहीं पता चला, मुझे फोन आया, फोन से उठाया किसी ने मुझे, मैम आपने लिंक नहीं भेजा, तब देखा ना. नहीं तीन मिनट रहते, वाह ओहो धन्यवाद भाई उठा दिया तुमने, कभी कभार हो जाता है. माँ भी तो क्या मांगू, मेरे को हंसी बहुत आ रही है. आज तो गई मेरी क्लास. चलो भाई डन है ये. देखो जो मैंने पीछे कराया ना वो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इन केस बाद में कोई बच्चा पढ़े बोले हाय राम क्या लिखा था, तो यहाँ मिल जाएगा तुमको. इस स्लाइड में सब कुछ है, मैंने कहा ना सब कुछ है इसमें, तुमको जरूरत नहीं है कहीं और जाने की, इसी से पढ़ लेना, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना, पेपर निकल जाएगा इससे. तो लिविंग टिश्यू लो कोई भी, हमने कौन सा ले लिया था लिविंग टिश्यू, लीवर. लीवर लीवर तुम चाहो तो प्लांट भी ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी, पर हम तो लीवर कुछ लेंगे. देखो ये पिक्चर ना किसी फेस पैक की है, इसको मत समझ लेना, हरे रंग का नहीं है अपना. इसको ग्राइंड कर दो फिर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्लरी से बन जाएगी, उसको आप चीज क्लोथ से, ये चीज क्लोथ है, ऐसे निकाल लो है ना, फिल्टर कर दो चीज क्लोथ से, फिल्टर करते पनीर बनाते हैं तो उसको ऐसे फिल्टर करते हैं. फिल्ट्रेट आपको मिल जाएगा, फिल्ट्रेट आपको मिल जाएगा एसिड सोल्युबल पूल, यही पढ़ना था तुम्हें. फिल्ट्रेट के साथ एसिड सोल्युबल पूल, रिटेंटेड इज एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन, याद रखना फ्रैक्शन या पूल वो एक ही बात बोल रहा और कुछ नहीं. ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किसको क्या बोला है. ठीक है जी, स्लरी बन गई, बात यह है कि रिटेंटेट में क्या निकला और फिल्ट्रेट में क्या बचा, इतना हमें पहले ही पता चल गया. तुमने खुद ही बता दिया कि मैम रिटेंटेट में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, है ना, हमें पता है मैक्रो को अंडरलाइन करते हैं, और यहाँ पर मिलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स. अपने को माइक्रो मॉलिक्यूल्स का पढ़ना ही नहीं है खास, ठीक है इस पर तो ध्यान नहीं दे रहा ज्यादा. माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या है मैं ये जानना चाहती हूँ. आपने पीछे क्या क्या वर्ड बताए थे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, एक हमको पढ़ना है मीठा मीठा कार्बोहाइड्रेट, एक हमें पढ़ना है वो जिसके बिना बॉडी तो चल ही नहीं सकती, सिग्नलिंग, प्रोटीन. एक हमें पढ़ना है जो हमारे हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड पूरा डीएनए आरएनए को बोलते हैं. और फोर्थ चीज हमें ऐसी पढ़नी है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, दैट इज लिपिड. अब ना दिमाग कहाँ खराब हुआ, लिपिड पे खराब हुआ. देखो ये सारे तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये तो है सच में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ये तो ठीक है, लेकिन लिपिड जो होता है इट इज एक्चुअली अ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल. ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, उस हिसाब से इसको कहाँ मिलना चाहिए था, फिल्ट्रेट में मिलना चाहिए था. भाई साहब का जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 डेल्टन का है सिर्फ, इससे कम पड़ता है 100 डेल्टन से. तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से ऊपर है ही नहीं, तो मैंने मैक्रो मॉलिक्यूल में तो उसको डालना नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो रिटेंटेट में मिल गया, ऐसा क्यों, किसी को पता है, एनीवन? अगर तुमने 11 में बायो मॉलिक्यूल आया होगा, बोल 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 प्रिया. मैम फिल्ट्रेट में इससे छोटे वाले मिलेंगे इसलिए. नहीं बेटा मैंने तो कुछ सिंपली बोला था ना, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब 800 डेल्टन तक,
बायो मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब सिंपली 1000 डेल्टन से ऊपर होने चाहिए, 1000 डेल्टन से ऊपर ही नहीं है ये, तो ये आया कैसे? इसको तो 100 डेल्टन से भी कम है, तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है यार, तो ये तो माइक्रो मैम, ये क्यों नहीं कर पाता? साइज तो छोटा जाना चाहिए था ना, क्या क्यों नहीं? यही तो क्वेश्चन है, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल है ये कैसे? इंडिविजुअली सॉल्युबल था ये, लेकिन यह इनसॉल्युबल क्यों हो गया? क्वेश्चन तो वही है ना, फीचर तो मैं समझ गई, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आपको मिल रहा है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आ गया, लेकिन ये है नहीं ऐसा, तो क्या हुआ कि ये ऊपर रह गया? कभी चाय पर चाय, है, हाँ बोलो, ऑर्गेनिक क्या है? अरे सॉल्वेंट। यार इ, 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 इतना छोटा साइज है, नीचे निकल जाता फिल्टर पेपर से, जब पोर इतना बड़ा है तो ये उसमें से चला जाना चाहिए था ना, तो छोटा है, छोटा साइज का मतलब ना बहुत सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो तुम क्या दिमाग लगा के? अगर ये पोर है और इतना सा लिपिड है तो ये इसके अंदर से जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू साइज, सिंपल साइज की बात हो रही है, फिल्टर पेपर प्रूव करना है, केमिकली रिएक्ट करना है, कुछ नहीं करना उसने, पोर जाओ उसमें, उससे ये निकल जाता है ऐसे, कोई साइज छोटा है निकला क्यों नहीं? अब अगर तुम मेरे को बताओ, जब तुम चाय पीते हो, चाय पत्ती तो ऊपर रह जाती है, चाय पत्ती डालते हो पानी में फूल जाती है, ऊपर रह जाती है छानी में, है ना? अब अगर तुम उसके अंदर एक छोटी सी दालचीनी का पाउडर डालो, तो क्या वो चाय पत्ती के ऊपर रहेगा या फिर चाय में नीचे चला जाएगा? चाय में ऊपर चलो भी रहेगा निकल जाएगा। है ना, मोस्ट प्रोबेबली चाय में निकल जाएगा ना, पाउडर फॉर्म में, लेकिन अगर मैं दालचीनी का छोटा सा गट्ठी डाल दूं, होती है ना वुडन, तो बताओ कहाँ जाएगा, चाय पत्ती में रहेगा या नीचे निकल जाएगा? चाय चाय पत्ती में रहेगा, क्यों? साइज का फर्क हो गया ना, इंडिविजुअली वो छोटू था, लेकिन जब मैंने सॉलिड फॉर्म में डाला तो साइज का फर्क हुआ, समथिंग यहाँ पर भी होती है, क्या होगा यहाँ पे? ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बनता है, हुआ क्या, जो लिपिड है वो आपकी क्या बनाता है, पूरी की पूरी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसी को हम बुलाते हैं, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा देखो इससे ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, आपके स्कूल में भी बना होगा जब आप 11th में थे, और मेम्ब्रेन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, उसको समझ लेते हैं कि देखो जब आपने लीवर का पीस लिया था तो आपने उसके सेल को तोड़ा, है ना, तो देखो इसका एक सेल निकाल के मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है, तो पहले उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चारों तरफ ऐसे लिपिड होंगे, लिपिड की बाय लेयर, तुमने तोड़ा उसको, ग्राइंड किया, तो वो बाय लेयर आपको दिख रही है कैसे टूट गई है, आधी ये हो गई, ए सेगमेंट हो गया, आधा बी हो गया, राइट, तुमने उसको और तोड़ा, तुमने उसको और तोड़ा, तो मॉलिक्यूल फिर एक दूसरे से अलग हुए ना, नो लेकिन क्या तुम इतना फाइनली तोड़ सकते हो कि एक एक लिपिड का मॉलिक्यूल अलग हो जाए? मैम, नहीं तोड़ सकते, नो ठीक मैम, है, तो जब मैंने बोला कि लिपिड इज अ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, मेरा कहने का मतलब था कि एक लिपिड का मॉलिक्यूल, यहां बना देती हूँ, कि जो एक लिपिड का मॉलिक्यूल है इट इज अ बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन जब मैं उसको तोड़ रही हूं ना, जब मैं उसको ग्राइंड कर रही हूँ, उस टाइम पे लिपिड का मॉलिक्यूल अकेले नहीं पड़ा होता, वो पड़ा होता गुच्छों में, यार अगर ये गुच्छों में पड़ा होगा तो गुच्छों में ये कैसे एक्ट करेगा? एक्ट करेगा बायो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, समझे? तो अब मैम, क्वेश्चन है, आपको पढ़ना ध्यान से पड़ेगा, अगर वो आपसे ये पूछ रहा है लिपिड इज अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल, तो तुम बोलोगे लिपिड तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल ही है, अकेला लिपिड तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर वो बोले केमिकल एनालिसिस में लिपिड एक्ट एज अ बायो मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल, तो केमिकल मैक्रो, एनालिसिस के प्रोसेसेस में वो माइक्रो की तरह काम करता है, वो ऊपर रह जाता है, समझ आया? क्योंकि वो गुच्छा में प्रेजेंट होता है, समझे? यस मैम, यही बात अगर लैंग्वेज में बोल दे तो यहाँ लिखिए व्हाई लिपिड इज प्रेजेंट एज रिडेंटेट, वो रिडेंटेट में क्यों रह गया जबकि वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल था? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि जब हम उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं, सारे लिपिड के मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं होते, वो गुच्छे में पड़े होते हैं, क्योंकि लिपिड के मॉलिक्यूल गुच्छे में पड़े होते हैं इसलिए वो एक्ट करते हैं एज अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, हालांकि वो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, तो याद रखना है माइक्रो लेकिन एक्ट कर रहे हैं मैक्रो की तरह, ठीक है, मैम, बाद में ये आंसर लिख लेना एक बार, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमें पता चल गया रिटेंटेट में क्या है, तो अपा को ये सारे पढ़ने हैं, इसलिए मैंने कहा था ना रिटेंटेट में मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, उसमें से एक माइक्रो है, दैट इज लिपिड, लिपिड, अब देखो ये तो हो गया एक लंबा प्रोसेस, एक इजी प्रोसेस भी होता है, क्या करो कुछ मत करो, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिवर टिश्यू ले लो, ठीक है, जैसे तुमने लिवर लिया था ना पिछली बार, यो यो मैम, ले लो इसको, कर दो ड्राई, सुखा दो,
जैसे कभी पापड़ सुखाए होंगे, दाल यस मैम, यस डालने के मैम, लिए आम सुखाए, अंबिया सुखाते हैं हम लोग, है ना, वैसे तुम यस उसको मैम, सुखा दो, सुखा लोगे सारा पानी वेपोरेट हो जाएगा, हर रोज धूप लगाओगे ना उसको, राइट। अब जो रह जाएगा आपके पास वो होगा ड्राई वेट, जैसे ये है, दिस इज अ ड्राई वेट। अपन ने बायो कॉलेजी में भी पढ़ा था ना, वेट वेट ड्राई वेट, है यस मैम, ना, ड्राई वेट ज्यादा अच्छी चीज होती है। तो ड्राई, यही मैम, अब इसको क्या करो, इसको तुम जला दो, पुट ऑन फायर, ठीक है, बर्न कर दो। अगर बर्न करोगे तो बर्न करने से क्या होगा, सारा का सारा कार्बन कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, CO2 + वाटर, तो ये तो निकल, कुछ तो पानी होगा ना इसके अंदर, वो भी निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा, तो मेन कार्बन कंपाउंड निकल गया। अब जो पीछे बच जाएगा दैट वुड बी एनएच इसी को राख कहते हैं ना, यो मैम, तो घर में चलती है, लकड़ी जलने के बाद राख रह जाती है ना, तो वो जो राख यो होती है उसके अंदर आपको क्या मिलता है, सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, लाइक कैल्शियम, जिंक, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है, तो सारे इनऑर्गेनिक मैटर। अगर मैम, तुमको इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो राख की स्टडी कर लो, अगर तुमको सारे ऑर्गेनिक पढ़ने दे तो तुम वही वाली स्टडी करो जो हमने पीछे करी थी अभी, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, राइट। लेकिन हम किसको स्टडी करेंगे, हम करेंगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, दैट इज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके। माइक्रो मॉलिक्यूल, यो यो मैम, अब तुमको पता चल गया तुम्हें पढ़ना क्या, मैम जो यो ये यो, ऐश की फॉर्म में आया है तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, यस, दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यस, यस मैम, ठीक है। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो तो एनसीईआरटी की लाइंस थी ना, वो सब यहाँ लिखी है, अब तुम रीड करोगे ना तो इसका सेंस बनेगा, इस बार इसको रीड करना, बाद में ना समझ आए तो बताना, ओके। यस अब मैम, देखो इस चैप्टर से ना जो डब्बे बने हैं ना, इस चैप्टर में हर बार एक क्वेश्चन उन डब्बों से जरूर आता है, दैट मींस तुम्हारे इस चैप्टर में खोल के देखो चैप्टर में कितने बॉक्स बने हैं, ऐसे काउंट करके बताना, पलटो सारे पेज आगे पीछे है, स्टार्टिंग से फाइव है, यानी कि फाइव बॉक्स अगर मैं कर लूं, मैं समझ लूं, तो मेरे 4 मार्क्स कंफर्म है ना। हम प्रोबेबिलिटी पे ही खेलेंगे ना, तो जनरली पैटर्न है वही मानेंगे, तो मेरे हिसाब से तो 5 डब्बे कर लो, 4 नंबर मिल जाएंगे, इतने डब्बे याद तो होंगे नहीं, तो हमें समझना पड़ेगा इसको याद कैसे करना है, ट्रिक लगानी है। देखो सबसे पहले डब्बा ये पेज नंबर, पेज नंबर 143, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की स्टडी होती है ये, इट्स नॉट अबाउट तुमको बहुत सारा पढ़ना है, तुमको बस ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, बस इतना ही होता है, सारा नहीं पढ़ता, कोई कोई जीनियस नहीं पढ़ता, झूठ बोलते हैं वो, सिर्फ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा जिसकी इतनी आईक्यू इतना अच्छा होगा, उसको तो फिर किसी के पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, उसको याद रह जाएगा, लेकिन बाकी सारे झूठ बोलते हैं, ठीक है, सब लिमिटेड पढ़ते हैं और उसी को रिवाइज करते हैं, तुम भी वही करोगे, लिमिटेड पढ़ोगे और अत्यंत बहुत ही बार उसको रिवाइज करोगे। तो देखो इसको, अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, ठीक है, तो ये कह रहे हैं लिविंग मैटर, जैसे कि तुम्हारी बॉडी, ये रही तुम्हारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, अरे अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट मतलब जब तुम बाहर धरती पे खड़े होते हो ना, अब घर तो मुझे पता नहीं कौन से फ्लोर पे, बाहर धरती पे खड़े हो गए, दैट इज अर्थ क्रस्ट, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये कह रहे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे कुछ एलिमेंट्स की आपको नीचे, ठीक है, मुझे सिर्फ ये नीचे चार्ट देखो, ऊपर की हेडिंग भूल जाओ, सिर्फ इसको देख के बताओ सबसे कम वैल्यू कहाँ लिखी है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे कम वैल्यू लिखी है, और कोई, सल्फर, नाइट्रोजन, मैम कार्बन, अबे तुमको सिलिकॉन नहीं दिख रहा क्या, नेग्लिजिबल लिखा यार, क्या होगी, इतने कम है कि इग्नोर कर दो, एग्जिस्ट नहीं करती, सबसे कम वैल्यू लिखी है सिलिकॉन की, फिर लिखी है नाइट्रोजन की, फिर नाइट्रोजन उसने सही बोल रहा था, वेरी लिटिल, सबसे कम नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब इतना कम है कि ध्यान ही नहीं देना, ध्यान से देखना, नेग्लिजिबल वैल्यू है सिलिकॉन के लिए, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सिलिकॉन का अमाउंट कितना है, हमारे पास इतना कम है कि कंसीडर ही नहीं, ओए अर्थ क्रस्ट पे लिखा है, क्या बात, अपनी बुक में ही देख ले यार, ये कैसे गलत कर सकती है, देख के बता। सो एक इसको अंडरलाइन करो, सिलिकॉन नेग्लिजिबल है ह्यूमन बॉडी में, एक क्वेश्चन ही बनता है, मोस्टली अलग जो यूनिक होगा उससे क्वेश्चन आएगा, अब अगर बीच में से क्वेश्चन आ गया फिर वो तुम छोड़ के आओगे ना, इतना थोड़ी याद रख लोगे, इंसान ही हो। उसके बाद ये तो था ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल, अब एक ऐसी चीज बताओ जो अर्थ क्रस्ट में नेग्लिजिबल के करीब है, मतलब बहुत कम अमाउंट है, नहीं अपने पास ज्यादा है,
याद करो, अगर तुमको थोड़ी भी नाइट्रोजन साइकिल पता है, अर्थ क्रस्ट पे नाइट्रोजन ही तो नहीं थी, स्यापा तो सारा यही था, तभी तो सारे माइक्रो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते, और जैसे ही फिक्स करते प्लांट्स ले लेते उसको, प्लांट के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म तक चला जाता है। तो अर्थ क्रस्ट में तो मिलता नहीं ना नाइट्रोजन, रहता ही है, जैसे ही वहां फिक्स होता है वैसे लिविंग उसको उठा लेते हैं प्लांट्स और लाइफ साइकिल में ले आते हैं, मतलब ये जो फूड चेन्स होती है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर नाइट्रोजन बहुत ही कम अमाउंट है, क्योंकि नाइट्रोजन का सोर्स है एयर, नाइट्रोजन का सोर्स हमारे पत्थर नहीं होते, वो होते फॉस्फोरस। तो अर्थ के पास फॉस्फोरस बढ़िया है, सल्फर है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन एयर में है और अर्थ क्रस्ट के पास इतनी अवेबिलिटी है ही नहीं, राइट? तो नाइट्रोजन सबसे कम है अर्थ क्रस्ट के पास, और हमारे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है सिलिकन। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब एक चीज जान लो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर द थिंग जो आपको मिलेगी मोर इन लिविंग बींग, मोर इन ह्यूमन एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है, ये लिख लो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा तुम पढ़ते भी ये हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। ऑक्सीजन तुम कंज्यूम करते हो, कार्बन से तुम बायो मॉलिक्यूल, पूरा चैप्टर ही कार्बन पे टिका हुआ है, और हाइड्रोजन तो हर जगह है ना, पानी के बेसिक मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन है। तो ये ज्यादा आपको ह्यूमन बॉडी में मिलता है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट, ये हमारे पास ज्यादा है, क्लियर इतना? वैल्यू देख लो, जो थोड़ी ज्यादा है या थोड़ी कम है, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 46 है, लेकिन हमारे पास 65 है। अर्थ क्रस्ट के पास ऑक्सीजन है लेकिन हमारे पास फिर भी ज्यादा है उससे, मैंने अभी यही लिखा ना कि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो याद रह जाएगा। अगर कंपैरिजन आएगा तो तुम देख के बता पाओगे ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे पास ज्यादा है। सिमिलरली कार्बन की बात करो, कार्बन तुमने पढ़ा होगा 0.03% एयर में होता है, वैसे ही चीज उन्होंने अर्थ क्रस्ट में भी लिखी है कि इतना ही होता है, लेकिन हमारे पास कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है। क्यों? हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन कितना सारा होता है ना, और हमारे बायोमोलिक्यूल कार्बन से बने हैं, हमारे पास तो ज्यादा होगा, राइट? दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिकॉल, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ओके? चले आगे। हाँ बेटा बोल। मैम हाइड्रोजन तो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। कहाँ पर? हाइड्रोजन तो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। कैसे? सॉरी मैम, जो नाइट्रोजन है वो क्यों कम होगी अर्थ क्रस्ट के अंदर? यस मैम, नाइट्रोजन तो 78% भी नहीं, नाइट्रोजन कहाँ 78% होगी अर्थ क्रस्ट में भी, अबे एयर है वो। सॉरी मैम, क्वेश्चन ये है कि ये क्यों इतनी कम है? ये क्यों इतनी कम है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो यूजेबल फॉर्म होती है वो अर्थ पे टिक नहीं पाती। हवा में एयर, एयर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन धरती पे गिरते हैं बारिश के साथ, तो बारिश में जब थंडरिंग होती है तो नाइट्रोजन फिक्स होकर नीचे गिरती है, अदरवाइज नीचे नाइट्रोजन टिक ही नहीं पाती है, ठीक है। जैसे ही नाइट्रोजन नीचे आती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजेबल फॉर्म में, और उसको दे दिया जाता है प्लांट्स को नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की फॉर्म में, तो वो अर्थ सर्फेस पे होती नहीं, एयर में होती है, इसलिए नीचे आती नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास मिल जाती है सॉइल पार्टिकल, जैसे सॉइल होते हैं ना, सॉइल के छोटे छोटे कणों के बीच में, ये सॉइल के कण है छोटे छोटे, इसके बीच में आपको ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि माइक्रोब्स यूज करते हैं, नाइट्रोजन को यूज नहीं करते, इसलिए वो वहां पे प्रेजेंट में नहीं होती है, समझे? और जैसी आती है वैसे फिक्स करके प्लांट को दे देते हैं, तो सॉइल में बचती नहीं है। इट इज लाइक खाना आया प्लेट में, उसी टाइम खा लिया, तो प्लेट में तो नहीं मिलेगा ना तुमको खाना ज्यादा, राइट? ये कौन से पेज नंबर पे टेबल देखना, 143। देखो ये बता रहे हैं लिविंग टिश्यू के अंदर कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। आपके पास सोडियम होता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन इज द मैक्सिमम, सॉरी कैसा वर्ड लिख दिया मैंने, मैक्सिमम इसको लिख दो, पोटेशियम के आगे मोस्ट अबंडेंट आयन इन सेल। अगर मैं कभी भी सेल बनाती हूँ, मैं जब तुमको न्यूरॉन की सिग्नलिंग कराऊंगी ना, तब पोटेशियम और सोडियम की बहुत कहानी आएगी, तो याद रखना अगर कोई भी सेल है, जैसे ये सेल है मेरा, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे यार तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि प्लाज्मा डबल की बना दी, लिपिड बायलेयर थी वो, सिंपल बना लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। याद रखना जब भी सेल होता है ना, सेल के बाहर वाले मटेरियल को एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, अंदर इंट्रा सेलुलर जहाँ साइटोप्लाज्म है, तो सबसे ज्यादा जो आयन अंदर होता है दैट इज पोटेशियम आयन, ठीक है, सबसे ज्यादा अंदर होता है।
अंदर की पोलैरिटी नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव करके रखता थोड़ा। सो मोस्ट अबंडेंट आयन हमारे पास है पोटेशियम, इसको हम जल्दी से जाने भी नहीं देते। तो यूरिन वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां भी आएगा और तुमको पता चलेगा हम इसको बॉडी से जल्दी यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको यूज करेंगे मतलब एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो रुक जाएंगे। तो पोटेशियम के साथ देख लेना, कैल्शियम तुम्हें पता है Ca2 पॉजिटिव मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है हमको, वाटर मिलता है हमको, और कंपाउंड होते हैं PO4-3 नेगेटिव, तुम इसमें पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड के अंदर, राइट, क्लियर है। अमीनो एसिड स्टार्ट करें। जैसे ट्रेन होती है, हम कहते हैं ट्रेन है, तो ट्रेन में आगे इंजन होता है, उसके डब्बे लगे होते हैं, पूरे को हम ट्रेन बोलते हैं ना, लेकिन ट्रेन मिलके किस किस से बनी हुई है, छोटे छोटे बॉक्सेस से छोटे छोटे कंपार्टमेंट से ना, अपने छोटे छोटे डब्बों से मिलके बनी होती है ना, उसी तरीके से व्हाट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन इज नथिंग बट अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। सो अगर ये पूरा का पूरा प्रोटीन है तो प्रोटीन बना किससे है, बहुत सारे छोटे छोटे डब्बों से, कंपार्टमेंट से, जिसको अपन कहते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को अपन लिखते हैं छोटा है डॉट डाल के, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। अब हमने मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑफ इनहेरिटेंस किया था, वहां हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है, डीएनए से ये कलर अच्छे से नहीं आता, डीएनए से बनता है हमारा एमआरएनए, प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से हमारा बनता है प्रोटीन, ट्रांसलेशन, राइट। इस प्रोसेस को डीएनए से क्या बनता है, डीएनए, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इस शेम को किसने दिया था, क्या बोल रहे हो, जो प्रोसेस है इसको हम क्या बुलाते हैं ओवरऑल, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम इसमें फोकस कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसलेशन से प्रोटीन बना है ना, हम इस वाले चीज को पढ़ रहे हैं, तो समझ आए हम पढ़ने के वाले, यो यो मैम, ठीक है। प्रोटीन बनने के लिए उसका डब्बा पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अमीनो एसिड, तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ से मिटा दूँ, राइट, इतना तुमको पता था, मैं रब करती हूँ। ऊपर वाला आप लोगों को सेंट्रल लोगों को पता है, नहीं याद है तो लिख लो साथ साथ। अब देखो अमीनो एसिड कैसे पढ़ेंगे, अमीनो एसिड क्या होता है तुमको इतना पता है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मिथेन, कार्बन को इथेन, और तीन को तुम कार्बन लो और यार हाथों से लिख लो, जैसे मैं बना रही हूँ साथ साथ बना लो, तभी याद होगा, ये देख के ना लगता है आ गया समझ, या आता नहीं है कभी समझ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो मैं वो बोल रही हूँ। कार्बन लिया मैंने, उसके आस पास C4H लगा दी, तो ये क्या लिख दिया मैंने, फॉर्मूला हो गया, तुम क्या करो ये अब देखना, जो डायग्राम मैं देख रही हूँ ना जिस एंगल में, ये लेफ्ट है मेरा, ये राइट है, डायग्राम को भी मैंने लेफ्ट और राइट देखना है, ठीक है। यानी कि मैं कह रही हूँ ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये समझ आ रहा है, याद रखना बाय कन्वेंशन ऐसे डिसाइडेड है, राइट हैंड साइड से हटा दो हाइड्रोजन, यहाँ लगा दो COOH, इट्स एन एसिड ग्रुप ना, एसिडिक है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हटाओ H, यहाँ लिखो NH2, NH2 कैसे लिखोगे, N यहाँ लिख देना, वैसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक ग्रुप है, और नीचे से एक हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ पे लिख दो R ग्रुप, R को अपन कहते हैं वेरिएबल, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, या CH2 आ सकता है, CH2 CH4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मिथेन को सब्स्टिट्यूट ही तो कर दिया ना, उसके हाइड्रोजन हटा के, है ना, सब्स्टिट्यूट तो कर रही हूँ, एक चीज हटा रही हूँ दूसरी चीज रख रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन होती है ना, वो तुम्हारी टीचर नहीं है तो दूसरा टीचर आगे पढ़ा रहा है, सब्स्टिट्यूशन है वो। मैं कह सकती हूँ, ये लैंग्वेज गलत तो नहीं होगी, कि अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, यस मैम, राइट, मेक सेंस, यो यो मैम, ये लाइन ऐड कर लो, अमीनो एसिड नथिंग बट सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, बस ये करना था, राइट।
अब अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं भाई? 20 टाइप के होते हैं। ये छोटे छोटे डब्बे जो मैंने बनाए थे अभी, ये 20 तरीके के होते हैं सारे अमीनो एसिड में। ये देखो यहाँ पिक्चर देखो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना COOH, इसको ऐसे लिख देंगे, एक को नीचे एक नीचे, ये COOH है। ये लेफ्ट साइड होगी या राइट साइड होगी? राइट साइड ऐसे ही है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड, अब ये कार्बन के आसपास अलग अलग ग्रुप है ना, तो ऐसे कार्बन को आपको बुलाते हैं अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन है अल्फा कार्बन, राइट। अब देखो क्या बोलते हैं, हाँ, जितने अमीनो एसिड है ना सबके अंदर एक चीज याद रखना कि ये वाला जो ग्रुप होता है ये होते हैं कॉमन, सारे अमीनो एसिड में कॉमन है, यानी 20 अमीनो एसिड है उसमें ये कॉमन है, तो फर्क किस में आता होगा? तो हर अमीनो एसिड में सिर्फ उसका आर वेरी करता है, एक अमीनो एसिड का आर दूसरे अमीनो एसिड के आर से वेरी करता है, इस वजह से अलग अलग अमीनो एसिड है। सो यू हैव 20 अमीनो एसिड, और वो 20 अमीनो एसिड चेन में ऐसे अरेंज होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। कोई अभी आगे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई 10 बार रिपीट हो रहा है, 15 बार रिपीट हो रहा है, तो सारे प्रोटीन सिर्फ 20 अमीनो एसिड से बनते हैं। अब तो अमीनो एसिड ज्यादा डिस्कवर हो गए, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 20 है, तो तुम यही याद रखोगे, क्लियर? यो यो मैम, ये द कंपोनेंट्स ऑफ अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, अमीनो ग्रुप NH2, हाइड्रोजन एंड वेरिएबल ग्रुप जो कि होगा R, क्लियर सबको? देखना अदरवाइज समझ नहीं आएगा, मिट्टी खत्म हो रही है, जिस से मिनट हाथ से बना के करना है इसको, काम करो तब बना लो। अभी तक समझ में आ रहा है? यो यो मैम, जो मैंने पीछे बोला वही लिखा है, कुछ खास नहीं लिखा, वही लिखा है इंग्लिश में, और कुछ नहीं। यो यो आगे आते हैं। अब हम देखना चाहते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ अमीनो एसिड है, मैं कह रही हूँ कैसा होता है अमीनो एसिड, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ना ये, कि कैसा दिखता है यार, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटीन की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, प्रोटीन में तो न्यूट्रलिटी आ जाती है, वो कोई एसिड बेसिक का कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन इंडिविजुअल अमीनो एसिड तो हो सकता है ना, तो हमें जानना है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो अगर तुम उसकी बात करो, हिस्टोन की बात करो, तो हिस्टोन को हम कैसे कहते हैं, कैसे वाला प्रोटीन है वो, एसिड या बेसिक? बेसिक। क्यों हिस्टोन बेसिक होता है? क्योंकि उसके पास बेसिक वाले अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि लाइसिन। तो अगर ये चेन में बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है उसको बेसिक कर देंगे, एसिडिक ज्यादा एसिडिक कर देंगे, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रखेंगे, समझ आई? यो यो मैम, मोस्टली अमीनो एसिड न्यूट्रल है, वेरिएशन इज देयर ना, तो मैं वेरिएशन बता रही थी, राइट। अब मैं कह रही हूँ अमीनो एसिड कोई एसिडिक है बेसिक है, तुम्हें एसिड बेसिक कैसे बता दिया यार? जब मैंने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा, मैंने कैसा पढ़ा, हाथों से लिखना अपने वहां साथ साथ लिखो, हो जाएगा। मैंने लिखा कार्बन COOH NH2 H और R, यार इसमें एक एसिड ग्रुप है ना, और एक बेसिक ग्रुप है, राइट। एक एसिड है, एक बेसिक है, तो ये तो न्यूट्रल होना चाहिए। मैं कह रही हूँ अमीनो एसिड एसिडिक है, दैट मीन्स जो R है ना, R के ऊपर एक और COOH लगा होगा, R को हटा के यहाँ पे कुछ ऐसा लगा जिसके ऊपर COOH लगा है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा COOH है तो वैसा अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। सो व्हाट इज एसिडिक? एसिडिक अमीनो एसिड आर द वन व्हिच हैव एक अमीनो ग्रुप ये है ना, एक अमीनो ग्रुप है और एक से ज्यादा टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगी, राइट? यो यो मैम, अब मैं ये क्वेश्चन लगा रही हूँ और तुम मुझे चैट में बताओगे। सेकंड केस है कि ये COOH है, NH2 है, H है और
आर ग्रुप है। तो अगर मुझे बेसिक अमीनो एसिड बनाना है तो मुझे चैट में बताओ अमीनो ग्रुप कितने होंगे, एक दो नंबर रखना, दो नंबर एक नंबर, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने होंगे अगर अमीनो एसिड बेसिक है। चैट में पूछो जैसे भी आंसर आता है, जस्ट लेट मी नो। तो अगर दो अमीनो ग्रुप हो जाएंगे तो वो बेसिक हो जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग दो, राइट। तो बेसिक अमीनो एसिड ऐसे होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, तुमको हिस्ट्रोन से याद हो जाएगा ना, तो तुमको हिस्ट्रोन से ये तो याद ही रहेगा, ठीक है, बेसिक वाला क्लियर है। अब बचता है न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल वाले में क्या होगा, कितने अमीनो एसिड और कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चैट में लिखो। ये बेसिक के साथ ना यहाँ पे NH2 लगा हुआ, कार्बन के साथ लगा होगा, यहाँ पे बना लेना NH2, ठीक है। अब मैं न्यूट्रल की बात कर रही हूँ, तो न्यूट्रल में कैसा होगा, एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, दोनों चीजें एक होगी, दैट न्यूट्रल इंसान है वेला। जो नेगेटिव है उसको कहेंगे एसिडिक, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है उसको कहेंगे बेसिक। न्यूट्रल इंसान कैसा है, ना वो बहुत नेगेटिव रहता है ना पॉजिटिव रहता है, वो चिल करता है, ठीक है। तो वो है चिल, जो वेला करता वेला है वो चिल है, ठीक है, वो चिल कर रहा है ना वेला, राइट। तो हमें याद रख लेंगे वैग, वैग को स्वैग से भी याद कर सकते हो। वी स्टैंड फॉर वेलिन, ए स्टैंड फॉर एलेनिन, एंड जी स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये तीनों का बार बार जिक्र होता है इसलिए मैंने वैग याद दिला दिया। तो बेसिक और न्यूट्रल याद रहेगा तो तुक्का मार ही लोगे ना, एसिडिक कौन सा है, एसिड याद हो जाता है, एसिडिक। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एसिड वर्ड ही आ गया तो याद हो जाएगा, राइट। हम तुक्का लगा सकते हो, उतना कर सकते हैं, क्लियर है। यो यो मैम, लिख लेना तो तुम्हारे लिए थोड़ी मदद हो जाएगी। अब बात आती है कुछ अमीनो एसिड हम कहते हैं जरूरी है कुछ नहीं। एक बात बताओ, जो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है खुद से बनती है, क्या हम उसको जरूरी कहेंगे? नो मैम, जरूरी वो है ना जिसकी कमी है। यस मैम, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड आर द वन जो जिसकी कमी है, नॉन एसेंशियल वाले जिसकी कमी नहीं है, अबंडन में है। तो जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है अमीनो एसिड, हमारे सेल खुद भी तो रखते हैं ना अपने अंदर अमीनो एसिड, जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। ये डेफिनेशन मुझे इम्पोर्टेंट है, ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं मैंने देखा, पर मेरे को लगता है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैं ये करा रही हूँ कि हमारी बॉडी जो खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कह रही अंदर बना ही लेंगे, तुम सो रही हो मैं तब अमीनो एसिड बना रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो दिस इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हमें इसको खाने में लेना ही नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही बना रही है, हमारी बॉडी खाने से एनर्जी लेके उसको बना रही है, पर खाने से वो अमीनो एसिड नहीं ले रही, हमारी बॉडी इसको खुद ही बनाती है। तो ये होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कोई एक दो याद रख लो, ज्यादा याद नहीं रहेंगे। लेकिन एसेंशियल वो है जो मेरी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, मतलब अगर मैंने डाइट में नहीं लिया उस अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी ना। इसको खाना है, इसकी बहुत जरूरत है, नहीं खाओगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, राइट, क्लियर। चलो आगे चले, अब अपन ही जानते हैं कि जो अमीनो एसिड है ये होते कैसे हैं। अगर ये हम कह रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड भी है, बेसिक अमीनो एसिड भी है, लेकिन अमीनो एसिड का बेसिक से स्ट्रक्चर तो सेम ही था ऑलमोस्ट, तो करते हैं किस तरीके की नेचर होते हैं। तो हमें पता चला कि जो अमीनो एसिड होते हैं ना वो एम्फोटेरिक होते हैं। व्हाट इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, जो एसिड अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, वो एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं और बेसिक की तरह भी रिएक्ट करते हैं, पर हम कैसे माने जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, हमने इनका रिएक्शन तो नहीं देखा ना। यस मैम, है ना। तो एक बार इसको रेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा मीडियम बना लेते हैं ऐसे, एक मीडियम ले लो आप एसिडिक ए वाला, और एक मीडियम ले लो आप बेसिक। जब मैं तुम्हारे बोलती हूँ एसिडिक, तुम्हारे दिमाग में आता क्या है एसिड सुन के? मैम जो पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, लाइक एच पॉजिटिव को रिलीज करता है, वेरी गुड। और बेसिक सुन के क्या आता है बेटा? जो नेगेटिव रिलीज करता है, जो नेगेटिव आयंस को रिलीज करता होगा वो हमारा बेसिक वाला होगा, राइट।
चलो तो काम करते हैं, इसको यहीं पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर को, फिर इसको हम मैम जो बेसिक होगा ना वो OH रिलीज करेगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना खुद। हाँ जो भी चीज रिलीज करता है उस पे पॉजिटिव आ जाता है, जो चीज ली जाती है उस पे नेगेटिव आ जाता है। चलो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका है ना, उस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, बहुत बेसिक सी बात हमने जानी, द बायोमोलिक्यूल इज समथिंग दैट इज, क्या होता है बायोमोलिक्यूल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या लिविंग बायोमोलिक्यूल्स किसको बोला, सबसे बेसिक डेफिनेशन बोली थी मैंने, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द लिविंग, मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग, दीज आर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ऐसे तो बहुत से मॉलिक्यूल है तेरे अंदर, सबको बायोमोलिक्यूल बोल दूं, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन अ बॉडी आर बायोमोलिक्यूल इन अ सेल, सिंपल सेल में रखेंगे, ठीक है। जो बड़े वाले बायोमोलिक्यूल होते हैं जिसका साइज 10,000 डाल्टन से ऊपर होता है, उन्हें क्या बुलाते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, और जिसका कम होता है दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूल। ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट था जिसका अमाउंट सबसे कम था पर अर्थ क्रस्ट में काफी था, इनऑर्गेनिक बोला था। तो इनऑर्गेनिक कौन सा मिटेरियल है जो आपकी बॉडी में नेग्लिजिबल है, सिलिकन होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। और वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो अर्थ क्रस्ट में नेग्लिजिबल है, नाइट्रोजन, गुड, ठीक है। अब अगर मैं इसकी फिल्ट्रेशन कर रही थी तो दो चीजें आई थी, एक आया था रिटेंटेट जो ऊपर रह गया था, और एक रह गया था नीचे फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। ऐसे सोल्यूबल किसको कहते हैं, ठीक है, ऐसे सोल्यूबल इसको कहते हैं, गुड। कौन सा एसिड यूज कर रहा था इन सब में, एसिटिक नहीं एसिटिक एसिड, ये यहाँ पे गलत होता है, ये नीट में क्वेश्चन गलत करके आ रहे बच्चे, ये उधर भी करा है, ऐसे होता है, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड इथेन, ठीक है। अमीनो एसिड में कौन से चार मेजर ग्रुप होते हैं जो एसिडिक ग्रुप है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो एसिड वेरिएबल ग्रुप, अमीनो ग्रुप कौन सा है, NH2 बेसिक NH2, और इसमें वेरिएबल ग्रुप किसको बुलाते हैं, आर को, ठीक है, वेरिएबल ग्रुप हम आर को बुलाते हैं, ओके। दो बेसिक अमीनो एसिड का नाम बताओ, लाइसिन आर्जिनिन, शाबाश। हिस्टोन में और भी अमीनो एसिड होते हैं पर इनका अमाउंट ज्यादा होता है। दो मुझे ऐसे अमीनो एसिड के बताओ नाम जो न्यूट्रल है, मैम वैलिन और वैलिन और लाइसिन का प्लस स्वाग स्वैग है, तो वैलिन आर्जिनिन है, वैलिन वैलिन एलेनाइन लाइसिन, जिनका अपना स्वैग है। देखो कंफ्यूजन इसमें होगी तुमको, कहाँ गया, क्या तुम फंसोगे ना, वो ये है ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड, एसिड है ना वो, ग्लूटामिक एसिड नहीं आ गया, right? तो जो वेले है उनका अपना स्वैग है, स्वैग से वैग आ रहा, वैलिन आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ग्लाइसिन द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो आपके पास है, सबसे सिंपल ये होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं होता, ओके। चलो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। नो मैम।